रोडवेज व बुलेरो में टक्कर, 11 लोग घायल, एक की मौत। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज एवं बुलेरो गाड़ी के आपस में टक्कर हो जाने पर बुलेरो सवार 11 लोग घायल हो गए, एक पुलिस वाला। सभी घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल कोंडा भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा राकेश सिंह निवासी नवलगंज, रोडवेज व बुलेरो में टक्कर, 11 घायल, एक की मौके पर ही मौत। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज एवं बुलेरो गाड़ी के आपस में टक्कर हो जाने पर बुलेरो सवार 11 लोग घायल हो गए, पुलिस द्वारा सभी घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा राकेश सिंह निवासी नवलगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मृतक घोषित कर दिया गया। शेष सभी का इलाज चल रहा है। अब आगमन सुचारू रूप से हो रहा है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य से संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा ने तत्काल ये जानकारी दी है। नवम्बर की सायंकाल लगभग 8 बजे के करीब गोंडा अयोध्या मार्ग में प्रयाग डिपो की एक बस रोडवेज की UP70DT9558 ये उधर अयोध्या की तरफ से गोंडा के लिए आ रही थी। इधर गोंडा से एक बोलेरो में लोग जा रहे थे, यहाँ पर खुरानसा के पास थाना कोतवाली देहात में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो में बैठे हुए महिलाएँ, बच्चे और जो पुरुष थे उनको चोटें आईं। सूचना पर कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर तुरंत पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात द्वारा सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है और वहां जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। उसमें 4-5 बच्चे तो ठीक हालत में हैं, महिलाएँ और जो वयस्क हैं उनको चोटें आई हुई हैं, उनका इलाज चल रहा है उनकी उचित देखरेख के लिए, और सभी डॉक्टरों द्वारा जो है प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके मौके पर जो यातायात बहाल कर दिया गया है और इनके जो भी घायल हैं उनको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन है, कहां के रहने वाले हैं और कहां जा रहे थे। फिलहाल अभी जो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अभी बताया जा रहा है कि उसमें एक घायल की मृत्यु हो गई है। अभी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात यहाँ मौके का क्लियरेंस करा करके जिला अस्पताल पहुँचे। जिला अस्पताल कोतवाली नगर और देहात के साथ मिलकर के उन सभी घायलों के घर परिवार का पता लगाया जा रहा है और जैसा भी होगा, जिस स्थिति की बात होगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।